हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस। तो आज का क्लास है कि ये हमारे पास एक अशोक लेलैंड स्टैलियन का गाड़ी है, ट्रक है। तो इसमें बहुत सारे स्विचेस दिए हैं और लाइटिंग के इंडिकेशन दिए हैं, जिनका हमको ये पता नहीं होता है। जैसे हम ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, हमें कौन सा इंडिकेशन का कौन सा स्विच है और क्या दबाने से क्या चीज़ ऑन होती है, तो हम उसी के बारे में हम आपको आज बताएंगे। इन्हीं सभी के बारे में, जितने भी इसमें पैनल बोर्ड में आपको इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं या कोई स्विचेज दिखाई दे रहा है, तो कौन सा स्विच किसका है, तो ध्यान से देखिए गाइज। तो गाइज, सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रिकली ऑपरेट है, ये एक स्विच है। इससे हमारा पार्किंग ढलान का न्यूमेटिक बल्ब होता है जो कि ऑपरेट होता है, इसको हम ऑन करते हैं। पार्किंग ढलान का स्विच ऑपरेट होता है, न्यूमेटिक ऑपरेट होता है, जिससे कि हमारी गाड़ी ढलान के अंदर अगर हमको गाड़ी पार्क करना है तो हमारा गाड़ी में ब्रेक लग जाता है और गाड़ी पार्क हो जाती है। तो दूसरा स्विच है हमारा, ये दूसरा स्विच है 4x4 लो एंड हाई। उसके बाद में अगर गाड़ी के चारों व्हील कहीं रेतीले इलाके में फंस गए हैं तो हम उसमें डिफरेंशियल लगाते हैं। तो इसके लिए हमको क्लच दबाना पड़ता है, क्लच दबाने के बाद हमको डिफरेंशियल में लगाना पड़ता है और हमारा डिफरेंशियल ऑपरेट हो जाता है। तो अभी आपको आवाज़ भी आने लगा होगा, अभी हमने ऑफ कर दिया है। और गाइज, इसके बाद में ये है हमारा हेडलाइट बीम अलाइनर, नीचे करो। ये हेडलाइट को अगर हमारा फोकस अलाइनमेंट सही नहीं है तो हम इसको अप डाउन करके हेडलाइट को अलाइनमेंट करते हैं। ये फ्लेंज हीटर जो ठंडी के इलाके में हमारा गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल होता है, जिससे हमारा ऑयल जाम हो जाता है या गाड़ी स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, तो उसको हीट करने के लिए हमारे पास फ्लेंज हीटर जो लिखा हुआ भी है, ये स्विच है और ये स्विच का इंडिकेशन है। स्विच को उधर सम्प के अंदर जो सम्प हीटर लगा हुआ है उसको ऑपरेट करने के लिए सम्प हीटर स्विच दिया हुआ है। और बंद करो गाइज, ये ब्लोअर को ऑन ऑफ करने के लिए है। ये ब्लोअर, हमारा ब्लोअर ऑन भी हो गया और इंडिकेशन शो हो रहा है, अभी हम इसको बंद कर देंगे। और ये पार्किंग स्विच है, गाड़ी को पार्क कर रहे हैं तो चारों लाइट दिखाई देने के लिए इसको पार्किंग स्विच को दिया गया है और हमारा यहाँ पे इंडिकेशन भी देने लगा है पार्किंग का। तो हमको इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारा पार्किंग लाइट जल रहा है, ठीक है। गाइज, ये फ्यूल मीटर स्विच है, इसमें ट्रक के अंदर दो फ्यूल टैंक दिए हैं तो हर टैंक में कितना डीजल है, कितना लीटर डीजल है, सारा कुछ बताने के लिए ये है, यानी फ्यूल टैंक 1 और फ्यूल टैंक 2 ये स्विच है, जिससे कि हमको पता चलता है कि हमारे डीजल टैंक के अंदर कितना डीजल बचा हुआ है। ये टो लिखा हुआ, टो स्विच, यानी गाड़ी को अगर हम पीछे से कुछ गाड़ी को टो करना होता है किसी को और को, तो टो स्विच दिया हुआ है, जिससे कि हमारा टोइंग हुक को दिखाने के लिए, हमको लाइटिंग दिखाने के लिए टो स्विच दिया हुआ है। और ये हॉर्न स्विच है, तो एयर हॉर्न, इलेक्ट्रिक हॉर्न, एयर हॉर्न में सेलेक्ट है, तो हम अभी हॉर्न स्विच दिखाएं बजाएंगे आपके सामने। हॉर्न स्विच बज गया और इलेक्ट्रिक में ऑपरेट करने से इलेक्ट्रिक हॉर्न स्विच ऑपरेट हो रहा है। पुश बटन इसका इधर साइड में है, ये देखिए कॉम्बिनेशन स्विच में दिया हुआ है। तो गाइज, ये हमारे प्रेशर गेजेज हैं, हमको 4 से ऊपर प्रेशर बनाना होता है जब गाड़ी को हम ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, 4 और 6 के बीच में प्रेशर कम से कम होना चाहिए। और ये सिलेंडर 1 का प्रेशर शो करता है, ये सिलेंडर 2 का प्रेशर शो करता है। और ये टेम्परेचर गेज है, ये हमारा टेम्परेचर को, इंजन का कितना टेम्परेचर है, ओवरहीट तो नहीं हुआ, ये क्लियर करके बताता है। तो 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 80 से और 100 के ऊपर अगर जा रहा है तो हमारा इंजन ओवरहीट होने के चांस ज़्यादा हैं। तो ये टेम्परेचर गेज है और ये डिफरेंशियल शो कर रहा है हमारा, तो डिफरेंशियल इंडिकेशन है ये। और ये है हमारा किलोमीटर हेड, किलोमीटर, ये स्पीडोमीटर है, स्पीड बताता है हमारा जब गाड़ी चलता है कितना स्पीड में, इसके बारे में हम आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। और ये 16,640 किलोमीटर चल चुका है, ऑन करो, ऑन हो गया। गाइज, ये ऑयल प्रेशर शो कर रहा है, तो हम जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ये इंडिकेशन हट जाएगा। ये सीट बेल्ट का है, अगर हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है, फिलहाल सीट बेल्ट नहीं लगी हुई है, तो इसलिए ये सीट बेल्ट का इंडिकेशन शो कर रहा है। और ये हैंड ब्रेक शो कर रहा है, अगर हमारा गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा हुआ, अगर हम हैंड ब्रेक हटाएंगे तो ये इंडिकेशन हट जाएगा। उसके बाद में ये RPM मीटर है हमारा, RPM का मतलब है राउंड पर मिनट, हमारा इंजन कितने राउंड पर मिनट के स्पीड से घूम रहा है। गाइज, ये फ्यूल गेज है,
जैसे कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया था फ्यूल गेज स्विच था और इस गाड़ी के अंदर दो टैंक हैं, जिस स्विच को हम ऑपरेट कर रहे हैं फ्यूल टैंक वन का या टू का, उसका ये हमारा फ्यूल बताता है कि हमारे टैंक के अंदर कितना फ्यूल बाकी है। ये है हमारा एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर हम 24 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए क्योंकि ये दो बैटरी का गाड़ी है, तो 24 वोल्ट जैसे ही स्टार्ट होता है 24 और 28 के बीच में हमारा मीटर का रीडिंग शो करना चाहिए। तो इससे हमको पहले तो पता चलता है कि हमारा अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसके लिए ये मीटर दिया हुआ है। फिलहाल 24 से नहीं चाहिए इसलिए आ रहा है क्योंकि गाड़ी हमारी स्टार्ट की हालत में नहीं है, स्टार्ट होते ही ये गाड़ी मीटर हमारा ऊपर चला जाएगा। तो गाइज ये अशोक लेलैंड स्टालियन का ट्रक था जो कि हैवी ड्यूटी में काम आता है। तो अभी फिलहाल हमने एसी के स्विच और इंडिकेशन के बारे में बताया है। हालांकि जो आपकी पर्सनल गाड़ी है, कार है, अल्टो है, वैगनार है, डिजायर है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी गाड़ी है, इंडिकेशन और स्विचेज सेम होते हैं, बशर्ते उनका लोकेशन चेंज हो जाता है। अगर आपको किसी इंडिकेशन या कोई स्विच में किसी में डिफेक्ट में कोई परेशानी आ रही है तो आप मेरे को कांटेक्ट करके या मैसेज करके अब मेरे को उसकी जानकारी ले सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है ऑटो इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस और आप मेरा कांटेक्ट नंबर 9997726899 इस पर भी आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। और मैंने अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है तो उस पर, और जीमेल आईडी भी उधर ही, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। तो तब तक के लिए उतना ही, बाय।